है फ्यूचर आर्टिस्ट। आज हम स्क्रिबलिंग आर्ट करेंगे। स्क्रिबलिंग आर्ट आपने पहले भी कई बार देखा होगा, जिसमें हम बस पेन, एक ही पेन से पूरा स्केच करते हैं। उस पेन को हल्के हाथ से कहीं डार्क पे वो हम लाइंस बनाते रहते हैं और पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो होता है स्क्रिबलिंग आर्ट। ये ज़्यादातर छोटे बच्चे वगैरह से निकला है आर्ट, क्योंकि बच्चे होते हैं, आपने देखा वो पेंसिल पेन कुछ भी होता है नया नया, तो वो कुछ भी ऐसे ही चलाते रहते हैं, तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो मैंने ये कथकली बनाया है, फेस है ये, तो इसमें हम करेंगे अब स्क्रिबलिंग आर्ट। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। लाइट शेड होंगे वहाँ पे लाइट चलाना है, और जहाँ पे डार्क शेड होंगे वहाँ पे डार्क चलाना है। हमें कहीं भी गैप नहीं छोड़ना है, जैसे कि यहाँ पे अब आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स मैंने दिए हैं, ये डार्क के लिए, और यहाँ पे लाइट शेड्स हैं। ये आपको जैसे दिख रहा होगा कि ये कैसे मैंने लाइट शेड्स दिए हैं, बहुत हल्के हल्के, मतलब ज़्यादा गैप में पेन चलाते हुए लाइट शेड देना है, और डार्क शेड बहुत पास 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 पास, और दोबारा पेन चलाते हुए हमें डार्क शेड देना है। अब ये नीचे का भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन हमारी जो पूरी ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। बस ये नीचे का लास्ट बचा है,
तो इसे भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये थोड़ी हम लाइंस इसलिए बना रहे हैं ताकि ये इधर की साइड हमें ज़्यादा शेड लगे, क्योंकि लाइट हमारी इस साइड से है, मतलब राइट साइड से हमारी लाइट है, लाइट इफेक्ट जो है हमारा, तो इस साइड हम ये थोड़े शेड्स और बना देंगे जिससे कि लगे कि हाँ अभी मतलब यहाँ पे डार्क शेड है। The truth will break your chains, we have the key. Open your... तो इस तरीके से हम लाइट और डार्क शेड देते हैं रफली पेन चलाते हुए, जैसे कि हम कोई भी स्केच वगैरह कोई भी कुछ बनाते हैं तो रफली पेंसिल चलाते हैं, तो उसी तरीके से हम पेन चलाते हैं। तो ये हमारा अब कंप्लीट हो गया है, फाइनली दिस इज द स्क्रिबलिंग आर्ट। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे पहली वीडियो भी आप ज़रूर देखें जो कि मैंने फेस के ऊपर बनाई थी, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि फेस हमारा एग्जैक्ट कैसे बनना चाहिए, आईज़ नोज़ वगैरह वो सब चीज़ें। इससे भी पहले मैंने जो और पार्ट्स डाले हैं तो वो भी आपको ज़रूर देखने चाहिए ताकि आप ज़रूर समझ पाए, अच्छे से देख पाए उसे।